गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभोस व्लॉग्स। और लगभग 25-26 दिन लास्ट जो वीडियो था इलेक्ट्रा एबीएस वो तो निकला था बहुत दिन पहले, मतलब बहुत दिन गैप हो गया क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स राइट नाउ। तो हाँ, फेस पे थोड़ा मार्क्स नहीं है बट ऑल ओवर द बॉडी है, तो आई एम लकी दैट मेरे फेस पे कोई मार्क्स नहीं आया। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो ये जो वीडियो है आप तो कैप्शन देख के मालूम पड़ गया होगा कि ये भाई किस चीज़ के बारे में वीडियो है। तो डेफिनेटली ये एक इशू है हर एक कोई इनफील्ड में, अगर आपका बाइक 1 ईयर 2 ईयर या 1.5 ईयर या कभी कभी 6 महीने के अंदर कुछ लोग देखे होंगे आपका जो हॉर्न होता है वो शॉर्ट हो जाता है। मतलब शॉर्ट मतलब ऐसा नहीं कि हॉर्न चलता नहीं है, कुछ नहीं होता, मतलब वो हॉर्न पावर तो सक करता है, ज़्यादा सक करता है बट उतना आउटपुट नहीं दे पाता है। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई ये बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी मेरा बैठ गया है। तो बेसिकली मैं एक वीडियो शूट किया था उस टाइम पे जब मैं ये सफ़र कर रहा था कुछ दिन पहले, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था वो वीडियो, तो मैं वो वीडियो ऐड कर रहा हूँ, तो आप वो देख लीजिए एक बार। लोगों ने देखा मतलब जो जब ये मैं लाइट ऑन करके बाइक रनिंग कंडीशन में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बाइक ऑफ करके लाइट ऑन करके मैं हॉर्न दे रहा हूँ, बट बाइक स्टार्ट है, लाइट ऑन है, सब तो इग्निशन ऑन, सब कुछ ऑन, फिर भी हॉर्न थोड़ा जैसा डाउन हो रहा है। तो मैंने वर्कशॉप विजिट किया, उनको मैंने पूछा कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई आप एक बैटरी चेक करवा लो, ये वो करवा लो। तो जो लोग सामने बैठते हैं, मतलब जो आपको रिसीव करता है, जो सुपरवाइज़र या जो भी जो होता है ना, जो आपको पहले वेलकम करता है, वो जॉब कार्ड वो कार्ड एक्सेट्रा, तो उन्होंने तो ऐसा बोल दिया। बट जो मेन मैकेनिक होता है उन्होंने पहले देख के ही बोल दिया कि भाई तुम्हारा बैटरी का प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा जो हॉर्न है वो शॉर्ट है। तो बेसिकली ये जो हॉर्न शॉर्ट हुआ है मेरा, वो मैंने 4 महीना या 5 महीना पहले ही मैंने नया लगवाया था, फिर से वो कट गया। और वो हॉर्न का तो कोई वारंटी नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल्स का वारंटी नहीं होता है एनफील्ड में। तो मैकेनिक ने खुद ही बोला कि आप बेटर आप रूट्स का हॉर्न लगवा लो। तो मैंने रूट्स का बहुत मतलब सर्च किया मार्केट में, तो रूट्स का जो मेन प्रॉब्लम है, रूट्स का जो बड़ा वाला हॉर्न होता है जो पुलिस के गाड़ियों में या ट्रक बस में लगा होता है वो वाला मिलता है, बट बेसिकली क्या कहते हैं, मतलब एक प्री वेलकम टू साइक्लोन फनी या फनी फोनी जो भी हो जो आ रहा है अभी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा कोस्ट के साइड में, तो ये उसी के लिए ये साउंड है। तो फर्स्ट मैंने जो रूट्स जो है मिलता है रूट्स वो बड़ा वाला मिलता है, मैंने उतना पावरफुल हॉर्न लगवाना मतलब मेरा मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा तो बस ये लॉरी नहीं है कि मैं उतना बड़ा हॉर्न लगवा दूँ, बट फिर भी लगाते हैं। तो मेरा टेस्ट में वो नहीं अच्छा नहीं लगा, मैंने उससे थोड़ा साइलेंट थोड़ा मतलब कम पावर का हॉर्न मांगा, तो लकीली मुझे ये हॉर्न मिल गया। तो मैंने रूट्स का तो ढूंढना, बट रूट्स का जो विंग टोन हॉर्न है वो नहीं मिला, तो मुझे मिला है ये वाला, ये लुमैक्स का इसका नाम भी है विंग टोन हॉर्न ये वाला। तो मैंने ये आज जाके मैंने ये परचेस किया और जो साउंड है फर्स्ट क्लास, तो मतलब बुलेट के हिसाब से एकदम स्वीट साउंड है, लाउड थोड़ा बहुत लाउड है, थोड़ा बेस है, परफेक्ट साउंड है। तो आप देख लीजिए कैसा साउंड कर रहा है। और हाँ, वीडियो में मैं बोल दे रहा हूँ पहले से, मैं वीडियो तो इसके बाद ऐड कर दूंगा, तो मैंने ये हॉर्न ऐसे ही प्लगइन पे नहीं किया है, मैंने ये हॉर्न में एक छोटा सा रिले जो होता है ना, रिले कटआउट जो है वो लगवाया है, और उसके बाद ये हॉर्न का फिटिंग हुआ है मेरा। हॉर्न का प्राइस अप्रॉक्स 480 के आसपास है, 480 या 490 यहाँ पे लिया शॉप से। उसके बाद कटआउट का लगभग 150 रुपये या 200 रुपये लिया और लेबर का 100 रुपये, मतलब विद इन 700 to 800 रुपीज़ मेरा काम ऑल ओवर काम हो गया था। और मैंने खास करके, अगर आप ये हॉर्न कोई वीडियो देख के पसंद आया, कोई लगवाना चाहते हो, तो मैं पहले बता दूं, आप जो भी मैकेनिक आपका वायरिंग का काम करेगा उसको पहले से बोल दो कि भाई देखो ये एनफील्ड है, तो एनफील्ड का जो वायरिंग होता है थोड़ा बहुत मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है दूसरे मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, तो इसलिए आप उसको प्लीज़ एक बार बोल दो लगवाने से पहले कि मेरा जो वायरिंग है वो जितना कम हो सके कटिंग करके एकदम नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। तो आप वीडियो देख लीजिए एक बार, और साउंड भी है उसमें, सब मैंने सब कुछ करके दिखवा दिया, मैं दिखाऊंगा आपको, दिखा रहा हूँ वीडियो में, लाइट ऑन करके स्टार्ट करके विदाउट लाइट ऑफ, सॉरी लाइट ऑफ इग्निशन ऑन, स्टार्ट बंद करके हॉर्न, फिर स्टार्ट बंद करके लाइट ऑन करके हॉर्न
कैसा बज रहा है, कोई पावर कम हो रहा है या ज़्यादा, आप देख लीजिए। उसके बाद कोई क्वेरीज होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं। और हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ, ऐसा लेट होगा क्योंकि मुझे मतलब होना ना, अभी काम ढूंढना पड़ता है, अभी कितने दिन ऐसे फ्री बैठे रहेंगे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत वीडियो में लेट हो रहा है। बट आई होप सब कुछ आगे ठीक हो जाए। तो देखते रहिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।